देखो टाइगर 3 के टीजर के बाद कई सारे शॉट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि इनमें शाहरुख खान को स्पॉट किया गया है, वहीं ऑन द अदर हैंड सलमान का कैरेक्टर ढीला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, पूरा मामला क्लियर करता हूं। तो सबसे पहला शॉट जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है वो है टीजर का ये वाला शॉट, जहां पर क्लियरली शाहरुख खान को स्पॉट किया गया है जो कि है ये लंबे बालों वाले पठान, और ये जिससे लड़ रहे हैं बताया जा रहा है कि वो इमरान हाशमी है, हाथ में बंदूक लिए हुए। जहां इसी के साथ अगले शॉट की तरफ बढ़े तो वो है ये बाइक चेजिंग वाला शॉट, जहां आगे टाइगर अपनी बाइक पर है, जहां पीछे सेम बाइक का एक टायर और दिखाई देता है, और बताया जा रहा है कि ये पठान की बाइक का अगला टायर है जो कि सलमान के साथ उस जगह से निकल रहे हैं। हालांकि इस जगह में शाहरुख खान को स्पॉट नहीं किया गया है, बट इस जगह पर होने के उनके हाई चांसेस है। बताता हूँ कैसे। अब देखो र्यूमर्स के हिसाब से शाहरुख खान का 25 मिनट का कैमियो होने वाला है सलमान को बचाते हुए, और इस शॉट को देखकर ये क्लियरली समझ में आता है कि वो इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर शाहरुख खान ने अपना काम कर दिया है, यानी कि पठान ने टाइगर को बचा लिया है। अब ऑल दे हैव टू डू दैट, बस यहां से निकलना है उन दोनों को। अब इसके बाद अगले शॉट में जहां पर टाइगर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वहीं इस शॉट को कुछ ज्यादा ही जूम करके दिखाया गया है, मतलब यहां पर कोई तो है जिसे छुपाने के लिए इस शॉट को इतना जूम किया गया है। अब कोई तो है से मेरा मतलब है यहां पर शाहरुख खान के होने के हाई चांसेस है, क्योंकि ये जस्ट तब का शॉट होगा जब पठान टाइगर को बचा चुका होगा और ये दोनों किसी सेफ जगह आकर रुके होंगे जहां पर टाइगर अपना मैसेज रिकॉर्ड करेगा। अब बात करते हैं कि क्यों सलमान का कैरेक्टर ढीला है। तो देखो जहां पठान मूवी में पठान ये कहता है, एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। वही सलमान देश से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि सलमान का कैरेक्टर ढीला है। तो यही कुछ चीजें थी जिन्हें लेकर लोग कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो गए हैं। वैसे इन सब के बारे में तुम्हारी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।